खबर बनखेड़ी से। बनखेड़ी के दर्जनों ग्रामों में बुधवार को हुई ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। इसको लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने गुरुवार को तहसील कार्यालय में एकत्रित होकर कलेक्टर के नाम बनखेड़ी तहसीलदार सुनील वर्मा को कन्या के हाथों से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि बनखेड़ी क्षेत्र में ओलावृष्टि से ग्राम नया गांव बिछुआ, पीपरपानी, दहलवाड, कलकोही, पत्थरकोही, मेदाखेड़ा, धराव पडाव सहित कई गाँव में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कृषकों की मेहनत से तैयार फसलों पर प्रकृति का उलों के रूप में भयंकर कहर बरसा है, जिससे क्षेत्र के किसानों की बर्बादी होगी। इसलिए शासकीय प्रावधान आरबीसी 64 तहत निरीक्षण कराकर मुआवजा प्रदान किया जाए, उसके पश्चात पंचनामा बनाकर एक प्रति किसान को दी जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष विकास स्वामी, जितेंद्र भार्गव, अनिल पाल, जितेंद्र कौरव, उमाशंकर राय मौजूद रहे। आज हमने बनखेड़ी तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर पीड़ित किसानों की समस्या को लेकर एक कन्या के हाथ से बनखेड़ी तहसीलदार महोदय को लिखित रूप में दो दर्जन गांवों में जो ओलावृष्टि हुई है और किसानों की 12 महीने की रात दिन की मेहनत की कमाई पर वो जो चौपट हो गई, उसके लिए हम राहत राशि की मांग करते हैं। और प्रशासन से ये मांग हमारी विशेष है कि सर्वे करवा कर पता नहीं अधिकारी लोग क्या अपने कागजों में छुपा लेते हैं, इसलिए हमने ये मांग की है कि पंचनामा बनवा कर प्रत्येक किसान को पंचनामा प्रदान किया जाए। आज आपने किस संदर्भ में ज्ञापन दिया? कल शाम को जो बनखेड़ी विकास खंड के लाइन के उस साइड जो ओलावृष्टि बहुत अधिक मात्रा में हुई थी, किसान जो पूरी फसल नष्ट हो गई है, साल भर जो किसान मेहनत करता है वो आज आँखों में आंसू बहा रहा है। इतनी विकट स्थिति पैदा हो गई है कि किसान के लिए कुछ भी बचा नहीं है। और इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि आरबीसी 64 के अंतर्गत किसानों को तत्काल राशि मुहैया, आपातकाल जो घोषित होती है राशि उसकी तत्काल घोषणा होनी चाहिए और तत्काल नगद भुगतान किसानों को किया जाना चाहिए। खबर भारतवर्ष के लिए बनखेड़ी से कपिल शुक्ला की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।